इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे कि जो सोलर पैनल होता है उसे पैरेलल और सीरीज में कनेक्शन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पैरेलल सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं किसी भी सोलर पैनल का, चाहे 24 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो, और क्यों और किस कंडीशन में किया जाता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 सोलर पैनल है और ये जो सोलर पैनल है 12 वोल्ट बैटरी के लिए है। अगर इसकी वोल्टेज आउटपुट की बात करें तो 18 वोल्ट, 19 वोल्ट, 20 वोल्ट होता है, जो 12 वोल्ट बैटरी के लिए रहता है सोलर पैनल। तो स्पेशली अगर ये हमारा सोलर पैनल है 12 वोल्ट बैटरी है, यानी सिंगल बैटरी है हमारा 12 वोल्ट का, तो उस जगह पे ये सोलर पैनल लगता है। अब यहाँ पे पैरेलल और सीरीज क्यों किया जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज करेंगे इस सोलर पैनल को, उसके बाद हम पैरेलल की बात करेंगे। सीरीज करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर कहीं पे हमारा 2 बैटरी है, अब वहाँ पे 12 वोल्ट का सोलर पैनल हमारे पास है, तो फिर सोलर पैनल को सीरीज करना होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तब जाके प्रॉपर तरह से हमारे बैटरी को चार्ज करेगा, नहीं तो फिर सोलर पैनल जो है 24 वोल्ट का यूज करना होगा, यानी बड़ा सोलर पैनल और ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट दे उस सोलर पैनल को हमें लगाना होगा, जो 24 वोल्ट बैटरी के लिए मिनिमम आपको 36 वोल्ट आउटपुट देता हो सोलर पैनल, तब जाके वो बैटरी को प्रॉपर तरह से चार्ज करेगा। वो सिंपल वे 24 वोल्ट के लिए ही सोलर पैनल आता है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम समझें तो सोलर पैनल को सिर्फ सीरीज करेंगे तो वोल्टेज हमारा बढ़ेगा और 24 वोल्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे 3 सोलर पैनल है। सबसे पहले यहाँ पे सोलर पैनल को बैक साइड हम पलट लेते हैं और यहाँ पे सीरीज में हम कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा बैटरी ज़्यादा है, एक नहीं है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी रहेगी तो हम पैरेलल में करेंगे, लेकिन हम सीरीज में कनेक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा बैटरी है 2 है 3 है उसलिए। और यहाँ पे सोलर पैनल 12 वोल्ट के लिए है, इसलिए सीरीज करना होगा। 24 वोल्ट का सोलर पैनल रहेगा तो सीरीज हमें नहीं करना होगा। तो यहाँ पे ये जो वायर है, ये 2 वायर हमारा हर सोलर पैनल से निकलता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, काला एक रेड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो हम इस सोलर पैनल से कोई एक वायर लेंगे, निगेटिव लीजिए या पॉजिटिव, जो आपको बेहतर लगता है एक पैनल पर सोलर पैनल से लेकर के दूसरे सोलर पैनल में कनेक्शन करने के लिए। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे पहले वाला और उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे दूसरे सोलर पैनल के निगेटिव पॉइंट में। आप कोई सा भी इस सोलर पैनल से ले सकते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव। हम यहाँ पे पॉजिटिव लिए, दूसरे सोलर पैनल के निगेटिव वाला वायर लिए, आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब ये सीरीज हो गया और ये जो सोलर पैनल है अब 24 वोल्ट के लिए हो गया, कि हमारा 2 बैटरी का कोई सिस्टम है वहाँ पे इस तरह से सीरीज करके कनेक्शन किया जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि सोलर पैनल जब सीरीज करते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है। अब हम तीसरे सोलर पैनल में भी सीरीज कर देते हैं। ऐसे सीरीज करने के लिए सोलर पैनल में आप जाएंगे तो 10, 20, 50, 100 सोलर पैनल सीरीज होते हैं। बस इसी तरह से आपको सीरीज करना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे दूसरे सोलर पैनल का पॉजिटिव लिया और तीसरे सोलर पैनल का नेगेटिव और यहाँ पर जोड़ लिए, तो ये सीरीज हो गया। अब ये 3 सोलर पैनल हमारा क्या हुआ, 36 वोल्ट यानी 3 बैटरी के लिए हो गया 12 वोल्ट की। अब यहाँ पे इसी तरह से जितना सीरीज आप करना चाहते हैं 10, 20, 50 सोलर पैनल सीरीज कर सकते हैं और इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं, कि सोलर पैनल का सीरीज में कनेक्शन किया गया है। अब ये तो हो गई हमारी 12 वोल्ट की सोलर पैनल, जिसका कनेक्शन हम सीरीज में किए हैं 12 वोल्ट से 24 वोल्ट, 24 वोल्ट से 36 वोल्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर हमें बड़े सोलर पैनल जो 24 वोल्ट के लिए होते हैं उसको सीरीज में कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से कनेक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 24 वोल्ट का भी सोलर पैनल है, एक बाईफेशियल है एक नॉर्मल है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस दोनों को भी हम सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं। बाईफेशियल सोलर पैनल और नॉर्मल सोलर पैनल में क्या फ़र्क होता है, इसके ऊपर पहले ही वीडियो हमने बनाया हुआ है, मेरे पेज में है, आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। अब इसको सीरीज में हम करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि क्या अलग अलग वाटेज को हम सीरीज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होता है, इसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो हम बना देंगे कुछ दिन में, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, पेज में वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही। अब यहाँ पे हम सीरीज करेंगे, सीरीज इसका कैसे होगा, सेम जिस तरह से हमने अभी 12 वोल्ट का किया है उसी तरह से इसका पॉजिटिव हम लेते हैं और दूसरे सोलर पैनल का नेगेटिव और आपस में जोड़ लिया। आप चाहें तो पहले सोलर पैनल का नेगेटिव और जो दूसरे सोलर पैनल का पॉजिटिव है उसे आप ले सकते हैं, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो ये हम हो गया हमारा 24 वोल्ट के लिए जो सोलर पैनल होता है उसमें भी हम सीरीज कर सकते हैं।
क्योंकि बड़े बड़े सिस्टम में क्या होता है, स्विच करना पड़ता है, क्योंकि जो उसका VFD हुआ, इन्वर्टर हुआ, उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से सोलर पैनल को स्विच करके कनेक्शन किया जाता है। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि ये स्विच कनेक्शन किसी भी सोलर पैनल का कैसे किया जाता है, बस नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब चलिए हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन को समझेंगे कैसे किया जाता है। जैसे कि ये तीन ही हमारे सोलर पैनल हैं और यहाँ पे दो दो वायर होता है, तो हम पैरेलल कनेक्शन करने के लिए तीनों सोलर पैनल का नेगेटिव ले लेंगे, यानी जो माइनस वाला होता है, तीनों एक साथ जोड़ेंगे। इसी तरह से तीनों पॉजिटिव जो होता है उसको यहाँ पे ले लेंगे। आपका यहाँ पे तीन सोलर पैनल दिखाई दे रहा है, दो भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, बीस भी हो सकता है, पचास भी हो सकता है, सौ भी हो सकता है, कितना सोलर पैनल आपका हो सकता है। पैरेलल का मतलब होता है जितना नेगेटिव है सब एक साथ जोड़ लेंगे, जितना पॉजिटिव है सब एक साथ जोड़ लेंगे। इन सब सोलर पैनल को पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1 कनेक्टर आता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3-in-1 MCA4 कनेक्टर है, और इस तीन सोलर पैनल को आपस में हम कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए बिल्कुल सिंपल होता है, 3-in-1 अगर हमारे पास यहाँ पे MCA4 कनेक्टर है तो तीन हमारा इनपुट हो जाएगा और 1 का मतलब आउटपुट होता है। तो तीनों जो हमारा यहाँ पे सोलर पैनल का जो पॉजिटिव वायर है उस तीनों को 3-in-1 का जो हमारे पास MCA4 कनेक्टर है इसको कनेक्शन कर लिए और ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, यानी टोटल जो पॉजिटिव प्लस वाला जो पॉइंट है वो एक साथ कनेक्शन हो गया, तो ये पैरेलल हो गया। अब इसी तरह से हम जो यहाँ पे नेगेटिव यानी ब्लैक वाला जो वायर होता है हमारा माइनस, उस तीनों सोलर पैनल का वायर लेते हैं और 3-in-1 हमारे पास MCA4 कनेक्टर है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये तीनों नेगेटिव जो कनेक्शन पॉइंट है वो हमारा पैरेलल हो गया। तो इस तरह से पैरेलल कनेक्शन होता है, 2, 4, 5, 10, 50 जितना भी सोलर पैनल को आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो वोल्टेज जो रहेगा उतना ही रहेगा, बस एम्पेयर बढ़ता है। तो इस तरह से आप पैरेलल कनेक्शन कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसका फायदा क्या होता है।